बात पंजाब की, क्योंकि पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर हादसे में मारे गए लोगों के परिवार का खर्च उठाने का ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हादसे में जितने बच्चे अनाथ हुए हैं मैं सबको गोद लूंगा, साथ ही हादसा पीड़ितों के घर का खर्च भी उठाने का ऐलान सिद्धू ने किया। सिद्धू ने कहा कि वो इस हादसे को लेकर हर एक को जवाब नहीं देंगे। वहीं अकाली दल और बीजेपी के नेता इस मामले में सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं इस इंसिडेंट में, जितने भी परिवार हैं वो मेरे परिवार हैं, मैं उन्हें अडॉप्ट करता हूं। किसी की भी पढ़ाई ता उम्र मेरी जिम्मेवारी, सरकार उसकी जिम्मेवारी नहीं लेती, मेरी जिम्मेवारी, ये मेरा वचन है। ऐसा है कि पूरी कोशिश हो रही है कि ड्राइवर और गेटमैन पे बात आ जाए और इनका मिट्टू और नवजोत कौर सिद्धू निकल जाए। एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मसलों को, विषयों को डिल्यूट किया जा रहा है। आप गेंद उसके पाले में फेंक रहे हैं, वो गेंद आपके पाले में फेंक रहे हैं। जो मौतें हुई है कोई उत्तरदायी तो है उसका, ऐसा क्यों हुआ? क्या कुछ प्रिवेंशन के मैकेनिज्म नहीं हो सकते थे? अब ये खबर समझिए कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस ऐलान का मतलब क्या है। तो नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। अमृतसर में हादसा हुआ था जो सिद्धू का राजनीतिक क्षेत्र है, लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश में जुटे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। अनाथ बच्चों और मृतकों के परिवार का खर्च उठाएंगे तो लोगों की संवेदनाएं जुड़ेंगी शायद। चुनावी साल है, ऐसे में लोगों की नाराजगी बनी रहने से सिद्धू के साथ साथ कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता था, ये एक रणनीति है।